हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर से जो लेक्चरर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की वैकेंसीज निकली हुई थी उसी के रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन अपडेट हो रहा है जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, तो सिंपली आपको इस मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। ओके, नोटिफिकेशन में चलने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, मैंने इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स नोटिफिकेशन वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। ओके, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस पेज का भी डायरेक्ट लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सिंपली आप सभी को इस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, करने के बाद में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। सब यहाँ पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है 10/5/2021 यानी कि 10 मई 2021 को। ओके, चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 31/05/2021 यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई 2021 तक। ओके, ड्यू टू enforcement of lockdown by the government and hence the last date of submission of application may be read as 31/05/2021 midnight यानी कि जो lockdown के कारण से ही ये extension किया गया है। okay, जो कि पहले last date 25/2021 okay यानी कि 20 मई 2021 उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 31/05/2021 यानी कि 31 मई 2021। आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना है इस डेट के पहले, और इसी डेट के पहले आप सभी को हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। ओके, डिटेल्स में अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि एज लिमिट क्या चाहिए, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अप्लाइंग मोड क्या रहेगा, कैसे आप सभी को अप्लाई करना है, तो मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। फिर भी मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ कितने डिपार्टमेंट में और कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। ओके, मैं आप सभी को बता देता हूँ, टोटल 18 यानी कि 18 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली हुई है और टोटल वैकेंसीज है 972 यानी कि 972। ओके, बहुत ही बड़ी वैकेंसीज है। मैं आप सभी को एक बार डिपार्टमेंट भी बता देता हूँ, आप सभी सुन लीजिएगा। ओके, फर्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, देन बॉटनी, देन केमिस्ट्री, देन कॉमर्स, देन इकोनॉमिक्स, देन एडुकेशन, देन इंग्लिश, देन होम साइंस, देन IRPM, देन लॉजिक एंड फिलोसफी, देन मैथमेटिक्स, देन फिजिक्स, देन पॉलिटिकल साइंस, देन साइकोलॉजी, देन संस्कृत, देन सोशियोलॉजी, देन स्टैटिस्टिक्स, देन जूलॉजी। ओके, इन सभी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली हुई है, टोटल 972 वैकेंसीज निकली हुई है। ओके, जो कि डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन में इतना ही है। ओके, फर्दर अगर कोई भी न्यू अपडेट आती है तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। ओके, तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।